नमस्कार, क्या हाल चाल है हम सबके। आपने जो आज टाइटल पढ़ा है खामोशियां, मैं आपको पहले बता देता हूं ये वाली वीडियो खामोशियां सॉन्ग के बारे में नहीं है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है गिटार में, जो कि होता है आरपीजी स्टाइल। अब आरपीजी स्टाइल क्या होता है मैं आपको दो मिनट प्ले करके दिखाता हूँ हल्का सा। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ, आपको सिंगल सिंगल स्ट्रिंग बजानी लेकिन कोड को यूज़ करते हुए एक बड़ी प्यारी सी साउंड निकल जाती है, बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता है जब आप सुनते हो, जब आप लगते ये तो बड़ा म्यूजिकल सा साउंड कर रहे हो, क्योंकि आप स्ट्रमिंग नहीं कर रहे हो, बट येस आप बीट में भी रह रहे हो, आप अलग अलग नोट स्ट्रिंग प्ले कर रहे हो, नोट प्ले कर रहे हो, जो एक म्यूजिकल साउंड करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बजा के दिखाता हूँ इसमें आरपीजी क्या होता है। ये जो आपने देखा इसको बोलते हैं आरपीजी स्टाइल। अब ये जरूरी नहीं आप इसी स्टाइल से बजाओ या इसका एक ही पैटर्न, के बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, जितने आप चाहो उतने बना सकते हो, अप टू यू। लेकिन मैं आपको खामोशियां सॉन्ग सिखाने वाला हूँ, लेकिन इस पैटर्न को यूज़ करते हो हम गाने पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करने वाले हैं आज इस स्टाइल के बारे में कि इस स्टाइल्स के आप कहने कैसे प्ले करते हो या क्या क्या कर सकते हो इस स्टाइल को यूज़ करते हैं। और मैं आपको पहले एक डिस्क्लेमर बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि ये स्टाइल अगर आपको बजाना है तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज़्यादा बेटर बन जाओगे आप इस स्टाइल को प्ले करने के लिए, ठीक है। अब क्योंकि आप मैं आपको खामोशी सिखाने वाला हूँ, तो आपको हम बेसिक बेसिक कोड बताता हूँ, वो आपका लगने वाले ई माइनर एंड ए माइनर फिलहाल के लिए। इससे ज़्यादा कोड हम शायद नहीं यूज़ करेंगे इस गाने में, क्योंकि मेरा जो मेन मोटो है वो है आपका आरपीजी स्टाइल को कवर करना। अगर आप किसी बारे में कोड डिटेल में जानना चाहते हो तो वो आपका ये आई बटन में लिंक आ रहा है, आप जाके इसको फॉलो कर सकते हो, और मैंने थंबनेल भी आपको दिखाया है, वही फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है। सो व्हाट आर, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन आरपीजी स्टाइल का। तो आपको कोड लगाना है ई माइनर, और आपका इधर जो पैटर्न फॉलो करना होता है वो आपको करना है सिंगल सिंगल स्ट्रिंग, लेकिन स्टार्ट करना आपको स्ट्रिंग नंबर 5 से। ये आपकी 6 है, देन 5, देन 4, 3, 2, 1, और आपका पैटर्न फॉलो होगा 5 4 3 2 3 4 5 4 3 2 3 4। सिंपल जो गाना है वो कुछ इस तरह है अपना, खामोशियां आवाज है तुम सुन ले तो आओ जरा, ना 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 ना। अब मैं अगर इसको थोड़ा स्लो करके बजाऊं और आपको सिखाने की कोशिश करूं गाने को कैसे बजाना है, आपको ई माइनर पकड़ना है, खामोशियां वापस से ई माइनर, ना 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 ना, आपका हाथ इधर वाल चलता रहेगा, इसमें कोई भी स्टॉप नहीं आएगा। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, बी नहीं लगाना, मैंने गलती से लगा दिया, मतलब लगता है मैं गलत नहीं है, बट आपको नहीं लगाना क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आपको ई माइनर ए में माइनर में फॉलो करना है इस पूरे के पूरे गाने को, लेकिन आपका जो मेजर फोकस इस वीडियो का जो आज मतलब था बनाने का वो था आपको आरपीजी समझाना। अब ये तो एक स्टाइल आपका आरपीजी का जिसके थ्रू आपने गाना भी कवर किया है खामोशियां, लेकिन मैं आपको जाते रहते एक और आरपीजी बता सकता हूं जिससे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो टू बी बेटर। वो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4। Thank you.
सो बस इस वीडियो में बात करनी थी हमें आज आरपीजी स्टाइल के बारे में, जिसका एक पैटर्न हमने फॉलो किया है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस का गेम है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में नहीं, आई होप आपको लेसन समझ में आ गया जो भी मैंने बात की आरपीजी के बारे में। अब जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और वो बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।